हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो 5 ईयर प्लान्स का रिवीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी इज मेनली क्लासिफाइड इन 3 सेक्टर्स। अगर मैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। 3 सेक्टर्स इकोनॉमी वाज प्रपोज बाय द कॉलिन क्लार्क। ठीक है, ये याद रखिए जो ये कॉन्सेप्ट है 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का। द 3 सेक्टर economy was proposed by Colin Clark and Jean is also known as 3 hypotheses। ओके, तो इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर। सेकंड वन है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड वन है टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टेरिटरी। ठीक है, सो प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया जाता है, फिशिंग को, माइनिंग को और फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स के पार्ट होते हैं। दिस सेक्टर मेक्स कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी थ्रू द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर्स जनरली प्ले अ लार्जर एंड ग्रेटर रोल इन द डेवलपिंग कंट्रीज एज कंपेयर टू द डेवलप्ड वंस। सो विद द टाइम मेनली इन डेवलप्ड कंट्रीज द प्राइमरी सेक्टर्स आर गेटिंग मॉडर्नाइज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैं इंडिया की बात करता हूँ, अब इंडिया में क्या है, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ तो इंडिया इज ऑल्सो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। ओके, लेकिन इंडिया में जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो डाउन क्यों है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन नहीं हुए हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ डेवलप कंट्री अमेरिका की, यूएसए की बात करूँ, तो वहां पे क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस किया जाता है, जैसे प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इंडिया में अभी ये चीजें ज्यादा इतनी प्रैक्टिस में नहीं है, पुराने मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया जा रहा है। इरिगेशंस के लिए फर्टिलाइजर्स की बात करूं, बहुत पुराने फर्टिलाइजर सीड्स को यूज किया जाता है, हाइब्रिड्स यूज नहीं किए जाते हैं और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वेदर्स पे डिपेंड रहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन से एरिया आते हैं, एग्रीकल्चर के, फिशिंग के, माइनिंग के, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर्स इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द इंटरमीडिएट मटेरियल्स इनटू द फाइनल आउटपुट।
यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ सेकेंडरी सेक्टर्स में, ठीक है। यानी कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रॉपर मेथड्स। सो मैन्युफैक्चरिंग कार है, स्टील है, क्लॉथिंग है, टेक्सटाइल है। इट जनरली इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोस क्रिएट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और टेंजिबल प्रोडक्ट्स, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। सो फर्दर दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू द लाइट इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम लाइट और हैवी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ओके। थर्ड वन है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस और बेस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। एक्टिविटीज वेयर पीपल ऑफर देयर नॉलेज एंड टाइम टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस पोटेंशियल, सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज टर्म इफेक्टिव लेबर। टेरिटरी सेक्टर्स प्रोवाइड सर्विस टू बिजनेस टू एज वेल एज द कंज्यूमर एट द प्लेस फाइनल गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, ये टेरिटरी सेक्टर्स में आते हैं। उसके बाद क्वार्टरनरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का भी डिस्कशन किया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च बेस्ड सेक्टर्स एंड सीइंग अ वे जनरेट हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वार्टरनरी सेक्टर्स, द क्वार्टरनरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज वे ऑफ डिस्क्राइब अ नॉलेज बेस्ड पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विच टिपिकली इंक्लूड सर्विस विच इज इंफॉर्मेशन जनरेटिंग द शेयरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च कंसल्टेशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अदर नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। सो द टर्म इज अ फर्दर डिविजन ऑफ द थ्री सेक्टर हाइपोथेसिस ऑफ इकोनॉमी, ओके। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर्स। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। सो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट वॉज एक्सप्लेन दैट प्राइमरी सेक्टर इज मोर प्रिवेलेंट इन लो इनकम कंट्रीज, टेरिटरी सेक्टर इज गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस इन हाई इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, वेयर द सेकेंडरी सेक्टर इज प्रिवेलेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो तीनों का ही अलग अलग एरिया में अलग अलग इम्पोर्टेंस है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर्स। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेकंड है ग्रेटर कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है। अगर मैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो होगी, और इकोनॉमी ग्रो होगी तो उतना ही कंट्री को फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, जीडीपी रेट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनकम रेट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगी, लोगों के स्किल्स इंप्रूव होंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो कंट्रीब्यूशन है या जो इनिशिएट्स है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। That is a very big and vast problem in the India, ठीक है, because India is also second largest populated country. So in this, so there is a lot of problem related to the employments, unemployments, ठीक है। तो industrialization होगा तो लोगों को job opportunities मिलेगी, वो at least अपना minimum living standards maintain कर सकते हैं, ठीक है। Second है commercialization, यानी कि goods को खरीदना और बेचना, नंबर ऑफ बायर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ सेलर्स भी होने चाहिए, ठीक है। आप इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आप इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू भी और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो। आप अपने सामान को अपनी कंट्रीज में बनाइए और दूसरी कंट्री को सेल करिए,
इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और हेल्दी हो जाएगी और एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कंट्री की इकोनॉमी पे। ठीक है, नंबर ऑफ हमारे बायर्स होंगे, जहाँ हमारा हमारे जो इंडियन गुड्स हैं वो अदर मार्केट्स में अगर स्टैंड करेंगे तो एक ग्रेटर गुडविल मेंटेन होती है और साथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। और इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए अगर वास्ट लेवल पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना होगा, फाइनेंशियली मुझे हेल्दी रहना पड़ेगा, मुझे लोगों को जॉब देनी होगी, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर जब आप कंप्लीट करोगे, और इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो ऑब्वियसली है कम रेट्स पे भी लेबर्स मिल जाती है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इनकम बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट हमारा यही था, इसमें हमने डिस्कशन किया स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में मैंने बात करी प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स में मैंने बात करी एग्रीकल्चर की और क्या कहते हैं फिशिंग माइनिंग की, यानी कि जो नेचुरल वेस्ट प्रोडक्शन होते हैं नेचुरल। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में मैंने बात करी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में मैंने लार्ज और स्मॉल दोनों तरीके की इंडस्ट्री को डिस्कस किया है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ने एक ग्रेटर रोल प्ले किया है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में और जीडीपी को इंक्रीज करने में। और उसके बाद जो थर्ड सेक्टर है वो भी क्या है, अलग बहुत अलग अलग तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है हर सेक्टर्स में, इससे हमारी जो सर्विसेज है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई हैं। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।